नमस्कार रे, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मीन राशि वालों का आने वाला 3 दिन यानी कि 14, 15 और 16 सितंबर का दिन कैसा बीतेगा। आने वाले 3 दिनों के दौरान आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा। इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले 3 दिनों का उपाय है, अनोखा टोटका है, तो आप उसे भी देखें, सुनें और आजमाने का प्रयास करें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनें। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके धन संपत्ति के बारे में। दोस्तों, पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से थोड़ा सा नीचे है। आने वाले दिनों के दौरान अपने फिजूल खर्ची पे आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपने फिजूल खर्ची पे अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आने वाले समय के दौरान धन संपत्ति के मामलों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, तो अपने रुके हुए धन को आप प्राप्त करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके कामकाज, आपके व्यापार व्यवसाय की बात करें, तो कामकाज के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अगर अपने कामकाज में, अपने कार्य क्षेत्र में आप कोई परिवर्तन, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो परिवर्तन करने से पहले अपने कामकाज के बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी और सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आप कोई परिवर्तन करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जल्दीबाजी में अगर आप कोई परिवर्तन करते हैं, तो आने वाले समय के दौरान आपके कामकाज, आपके व्यापार व्यवसाय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य तौर पे सही रहेगा। आने वाले दिनों के दौरान अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंध को आप मजबूत करने का प्रयास करें। लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से थोड़ा सा नीचे है। आप में से जो भी लोग नशा पान करते हों, धूम्रपान करते हों, शराब का सेवन करते हों, तो आने वाले दिनों के दौरान इन चीज़ों को आपको त्यागना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नशापान को अगर आप नहीं छोड़ते हैं, तो आने वाले समय के दौरान आपके स्वास्थ्य के मामलों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आने वाले दिनों के दौरान अगर अपने घर परिवार में आप कोई परिवर्तन, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो परिवर्तन करने से पहले अपने घर परिवार के माहौल को, अपने घर के वातावरण को आपको अच्छा, बेहतर और शानदार बनाना होगा। और घर के माहौल को बदलने के बाद ही आप कोई परिवर्तन करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जल्दीबाजी में अगर अपने घर परिवार में आप कोई परिवर्तन करते हैं, तो आने वाले समय के दौरान आपके घर परिवार के मामलों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले दिनों के दौरान किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। दोस्तों, उपाय बहुत ही ज़्यादा सामान्य है। आने वाले दिनों के दौरान आप डेली सूरज उदय के समय भगवान सूरज को तांबे के पात्र से अर्घ दें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस वीडियो के नीचे जय सूर्य देवता कमेंट कर दें और इस वीडियो को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देखें और अपने समय को बेहतर और शानदार बना सकें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।